दोस्तों, मैं शफीक अहमद एनबी मार्वल से। एनबी मार्वल में आपका स्वागत है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं आपको आज बहुत बड़ा मंदिर दिखाने लेके आया हूँ जो हमने बनाया है। ये मंदिर हमने बनाया था रेजोनेंट मार्बल ट्रेडिंग के साथ मिलकर, कोलैब करके हमने ये बनाया। हम दोनों ने ये काम मिलकर किया था, जिसके ऑनर टेली मोहिज अहमद हैं और वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे साथ कोलैब करने के लिए। तो चलिए इस मंदिर के बारे में डिटेल में बात करती है, तो चलें, आइए मेरे साथ। तो अब मैं इस मंदिर में लगे हुए पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं, ये मटेरियल कौन सा है। तो आप ये देखेंगे, ये जो मटेरियल देख रहे हैं ना आप, ये पूरा मकराना का एक वेरिएंट आता है, मकराना कुमारी मार्बल, जो संगमरमर ही होता है, लेकिन इसका कलर और इसकी जो वेरिएशन, उसके जो टेक्सचर वगैरह, इसके हिसाब से इसको एक कुमारी मार्बल बोलते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके कारीगरी की, ये कारीगरी कैसे की गई है। तो आप ये देखें, ये पिलर है, ये पिलर पूरा सॉलिड में बनाया गया है, इसमें कोई पेस्टिंग नहीं की है हमने, ये पूरा सॉलिड है। ये पार्ट में होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, फिर यहाँ से वहाँ तक ये क्या पार्ट में बनता है। और इसके अंदर कारीगरी देखेंगे आप, ये देखेंगे हमने यहाँ पे पूरी कारीगरी की हुई है, पूरी ऊपर से नीचे तक नक्काशी की गई है। फिर उसके बाद पिलर के, दोनों पिलर के बीच में आर्च लगती है, तो आर्च भी देख सकते हैं आप, आर्च के अंदर आप कारीगरी देखेंगे, यहाँ पे भी कितनी फ्लावर की कारीगरी कितनी अच्छी की गई है। फिर उसके ऊपर आता है पार्ट, पार्ट का मतलब हम बीम बोल सकते हैं, हम पार्ट बोलते हैं इसे हमारी लैंग्वेज में, लेकिन ये बीम होता है। उसके ऊपर बीम देखिए आप, जो ऊपर में बीम है उसके अंदर भी हमने कारीगरी की है। फिर उसके ऊपर छत आ जाती है और वो सामरण होती है, हम उसे सामरण कहते हैं। दोस्तों, आपने नीचे का मंदिर देख लिया है, अब मैं आपको ऊपर का मंदिर दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे ये कलश है, ये कलश के नीचे, ये पूरा नीचे तक यहाँ तक कलश बना है और यहाँ पे हमने सांप बनाए। और अब इसके नीचे आपको देखेंगे ये क्या, ये पूरा फ्लोर, ये छत बनी है, इसको हम सामरण बोलते हैं, सामरण का डिजाइन बनाया गया है। इसमें देखेंगे कि छत पे भी पूरी कारीगरी की हुई है, ऊपर से नीचे तक पूरे चारों तरफ से स्क्वायर की छत बनी है हमने, और ये सारा कुमारी मार्बल में है और ये कुमारी मार्बल भी बनते हैं मकराना संगमरमर में। तो इसके नीचे की और हम आपको दिखाते रहेंगे, नीचे हमने गर्भगृह कैसे बनाया है वो भी दिखाता हूँ, तो चलिए नीचे चलते हैं। अब मैं आपको इसके जो गर्भगृह के बारे में दिखाता हूँ। तो ये गर्भगृह में हमने पिलर लगाए हैं, ये गर्भगृह के अंदर पिलर है और ये गर्भगृह की दीवारें हैं, ये दीवार है। इस दीवार के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर नक्काशी की गई है बहुत अच्छी। ये गर्भगृह की बाहर की साइड की दीवार है, इसके अंदर भी हमने बहुत अच्छी नक्काशी की गई है, जिससे क्या होता है कि इस मंदिर को और ही एक अच्छा लुक और एथेटिक लुक दिया जा रहा है। ये मंदिर पूरा स्क्वायर शेप में है और इसके हम किधर से भी देखेंगे एक तरीके से ही दिखेगा मंदिर, चाहे आप किसी भी कोने से इसको देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा। और इस मंदिर के बारे में और मैं डिटेल में आपको बताता रहूँगा, ये मंदिर कैसे बने और किस तरीके से बने, इसकी लागत जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट करना होगा, दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट किए। दोस्तों, हम मार्बल और हैंडीक्राफ्ट और मंदिर से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला वो बेल आइकन उसे जरूर दबाइए, जो भी फर्स्ट वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ इसी वीडियो में, और आता हूँ और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।